तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिलिप्स के मल्टी ग्रूम ग्रूमिंग किट का सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप शॉर्टली ये चीज़ सिर्फ जानना चाहते हैं कि अच्छी है या नहीं आपको लेनी चाहिए या नहीं तो मैं इसको डेफिनेटली दूंगा टेन आउट ऑफ टेन कंसीडरिंग दी फैक्ट कि इसमें कितनी वर्सीटैलिटी है कितने सारे आपको हेड्स मिलेगी अटैचमेंट्स मिलेगी और उससे आप कितना कुछ अपनी बॉडी पर अपनी ग्रूमिंग का कर सकते हो फेस की ग्रूमिंग बॉडी की ग्रूमिंग तो अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये कि अच्छा है या नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप वीडियो बंद करके इसको डेफिनेटली ले सकते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है क्या क्या इसमें आएगा तो आप वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं तो इसको जैसे मैं खोलने वाला हूँ और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी मैंने अमेजोन से ये जो सेल चल रही है ग्रेट इंडियन सेल इसमें मैंने ये लिया था और मुझे लगभग ट्वेंटी थ्री हंड्रेड के अराउंड मुझे मिल गया है तो वैसे तो मुझे लगता है कि सेल्स में कोई ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि आई थिंक कि प्राइस सेम ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पचास साठ हंड्रेड रुपीज़ का फ़र्क होगा तो ये कुछ इस तरह से अंदर से था और पैकिंग अच्छी नहीं थी और इसका बॉक्स जो है वो भी इतना अच्छी तरह से पैक नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बॉडी को यूज़ किया है मैंने अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया है और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा है तो इसमें आपको एक पाउच मिल जाएगा आपको सब कुछ डालने के लिए जिसमें आप सेफली डाल सकते हैं कुछ बुकलेट्स मिल जाएंगी वारंटी मिल जाएगी आई थिंक एक या दो साल की इसके साथ आपको वारंटी मिलती है जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है इसकी बॉडी कुछ इस तरह से दिखती है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे चार्ज करना है कैसे हर एक अटैचमेंट को यूज़ करना है और एक एक अटैचमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लिए यूज़ होने वाली है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली अटैचमेंट मेरे हाथ में आई है ये है शेवर तो गायज इस शेवर को मैंने परसों यूज़ किया था और जो इसको लगाने का जो वो वे है वो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू शॉट भी इस इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे तो कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच करना है आई होप कि जो वीडियो अटैचड है आप उससे भी इसको देख पा रहे हो तो शेवर कहाँ पर यूज़ होना है शेवर सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर यूज़ होना है जब आपने अपने बालों को ट्रिम कर दिया है एक या दो नंबर की आपने ट्रिमिंग कर ली है उसके बाद आप शेवर को यूज़ कर सकते हैं तो शेवर आपका क्या करेगा कि आपके बालों को ऐसा कर देगा कि जैसे आपने वैक्सिंग करवाई होती है मतलब आप रेज़र से भी जितने कम बाल होते हैं उससे भी ज़्यादा शेवर आपके बाल निकालेगा और मैंने शेवर अपने इन साइड्स में यहाँ यहाँ तक यूज़ किया था और बिल्कुल मतलब जैसे प्लेन जैसे आपने वैक्सिंग करवाई होती है वैसे ही फीलिंग शेवर देता है लेकिन ये काम सिर्फ तभी करेगा तो आपके बाल ऑलरेडी छोटे हो चुके हैं मतलब बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपने एक नंबर का ट्रिमर या जीरो नंबर का ट्रिमर आपने यूज़ कर लिया है बड़े बालों पर शेवर जो है वो काम नहीं करने वाला तो हम शेवर को निकाल देंगे उसके बाद ये जो इसके साथ दूसरा हेड जो आ रहा है मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है और तो ये जो दूसरा हेड है एज यू कैन सी कि इसकी जो टॉप एंडिंग है बहुत ही कम्पैक्ट सी है बहुत टाइट है तो ये है कि आपकी बियड को शेप देने के लिए मतलब आपने अपनी बियड को अच्छी तरह से ग्रूम कर लिया है उसके बाद जो लाइन्स हैं उनको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके ये आप उसकी हेल्प से कर सकेंगे तो ये आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए आपकी बियर्ड को हर साइड से तो ये उस चीज़ के लिए आ जाएगा उसके बाद ये जो थर्ड अटैचमेंट मेरे हाथ में है ये है नोज ट्रिम्बर और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मैं मैं इसको बहुत देर से लेना चाहता था और वन ऑफ़ दी रीज़न है कि मैंने क्यों ये किट ली है तो नोज़ ट्रिम्बर बहुत सेफ़ है गायज़ मैं आपको यूज़ करना दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें इसको यूज़ करते हुए आप ये ना सोचेंगे कोई इंजरी हो जाएगी या ऐसा कुछ क्योंकि बहुत सेफ़ है इसको यूज़ करना जस्ट uh, ऐसे आपको यहाँ से इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा एज़ यू कैन सी तो उसके बाद आप सेफली अपने नोज़ में इसको आराम से यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं इस तरह से आप रोटेट करेंगे तो इंजरी की कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत uh, नहीं है कि कुछ हो जाएगा या ऐसा कुछ बहुत सेफ़ है और ईज़िली आप इसको अपने ईयर्स uh, पे अपने नोज़ में आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अच्छे वेल ग्रोम्ड दिखें तो इसकी ये वाली अटैचमेंट भी हम निकाल देंगे इसके साथ में आपको बहुत से हेड्स मिलते हैं जो आपकी हेयर कटिंग के काम आएंगे या अगर आप बियड को बहुत ज़्यादा हल्का नहीं करना चाहते तो इनको आप उस हेड के ऊपर अटैच अगर करेंगे तो आपके आपको पता ही होगा आप जब दुकान पर कटिंग करवाने के लिए जाते हैं तो अगर आपको थोड़ी हैवी हैवी चाहिए होती है तो ये हेड जो हैं ये उनके ऊपर जो अटैचमेंट्स होते हैं उनके ऊपर लगते हैं तो जैसे ये वाला हेड है ये आ गया आपकी हेयर कटिंग के लिए इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि हेयर कटिंग मैं दुकान से ही करवाता हूँ लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ से लगाना दिखा दूँगा तो एज़ यू कैन सी ये यहाँ पर लग चुका है उसके बाद जस्ट आपको ऑन करना है और अगर आप खुद कटिंग हेयर कटिंग करते हैं तो आप इससे uh, ये भी कर सकते हैं या तो उसके बाद अगर आप ये वाला हेड यहाँ पर लगाते हैं तो उसके बाद ईजिली आप थोड़ी हैवी बियर्ड अगर आपको चाहिए तो वो भी आप अचीव कर पाएंगे तो एज यू कैन सी ये यहाँ पर लग चुका है उसके बाद यू जस्ट हैव टू मूव इट तो उसके बाद क्या अटैचमेंट्स आने वाले हैं उसके बाद आई थिंक कि बहुत सारे अलग अलग हेड्स ही आपको मिल आ, देखने को मिलेंगे जो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाइस इसको यूज़ करना क्योंकि इसको मैंने लिया है अपनी बॉडी ट्रिमिंग के लिए अपनी फुल बॉडी के लिए और साथ ही साथ जो नोज़ ट्रिमर है इसमें और जो शेवर है इसके लिए मैंने इसको लिया है तो बाक़ी तो इसमें आपको क्लीनिंग कॉम भी मिल जाएगा मतलब बाल अगर हैं तो आप इससे ईज़िली इसको रोटेट कर सकते हैं और फाइनली और एक दो अटैचमेंट इसमें और है एज यू कैन सी सेम हेड्स हैं इसमें हेयर कटिंग के लिए बियड रूमिंग के लिए जो इतने ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ और फाइनली ये है इसका चार्जर तो चार्जर को इस तरह से इसका दिखता है एज़ यू कैन सी हेयर आपको जो नीचे के साइड है आपको जस्ट यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है और उसके बाद इट विल बी रेडी टू चार्ज चार्ज करने बाद आप इसको एटी मिनट्स के लिए कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सकते हैं जो एक अच्छा टाइम है मतलब मैंने अपनी बॉडी के हेयर ट्रिम करने के लिए इसको लिया है और लगभग हाफ़ एन आवर में आप फुल मैं अपनी फुल बॉडी के हेयर ट्रिम कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास पहले भी फ़िलिप्स का ट्रिमर था लेकिन उसमें इतनी सारी अटैचमेंट नहीं थी और इसीलिए मैंने इसको इस टाइम पर लिया था तो ये थी बात ग्रूमिंग सेट जो है फ़िलिप्स का जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है बहुत कम्पैक्ट है आप जो ये वाला हेड है इसको आप पानी से भी यूज वॉश कर सकते हैं आई पी इसको वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली हुई है तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको खरीदें सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज सी ओ अगेन